यो व्हाट्सअप गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं गेमपुर वाईटी के एक और ब्रांड न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के सभी चीट कोड्स को। सो गाइस, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग जल्दी से जान लेते हैं बिना टाइम वेस्ट हुए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग सभी बाइक का चीट कोड जान लेते हैं। तो हमारा जो पहला चीट कोड होने वाला है 6000, इसको डायल करने के बाद आप लोगों को ट्रोन बाइक देखने को मिल जाएगी जो कि ब्लू कलर में है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट चीट कोड होने वाला है 400, इसको डायल करने के बाद आप लोगों को ZX10R बाइक देखने को मिल जाएगी। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चीट कोड है वो 4x8 होने वाला है, जिसको डायल करने के बाद आप लोगों को डूक 1290 देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट चीट कोड के ऊपर चलते हैं जो है 777, 4x7 डायल करने के बाद आपको डूक 200 देखने को मिल जाएगी। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चीट कोड होने वाला है वो होने वाला है 0015। R15 के लिए है ये चीट कोड, आप लोग यहाँ R15 मंगाने के लिए 0015 डायल कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट चीट कोड है वो 4x000 होने वाला है, जिसे डायल करने के बाद हम लोगों को पापा की परी अर्थात एक्टिवा बाइक देखने को मिल जाएगी। सो गाइस, हमारा जो नेक्स्ट चीट कोड होने वाला है वो है 3000, जिसको डायल करने के बाद आप लोगों को कावासाकी की H2R बाइक देखने को मिल जाएगी। सो गाइस, हमारा जो नेक्स्ट चीट कोड होने वाला है उस चीट कोड पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट चीट कोड है वो 5000 है, 5000 डाल करने के बाद आप लोगों को पल्सर देखने को मिल जाएगी जो कि रेड कलर में अवेलेबल है। और इसका आप लोग कलर भी चेंज कर सकते हैं, अभी आप लोगों को कलर भी चेंज करके दिखाऊंगा। हमारा जो नेक्स्ट चीट कोड है वो 7000 है, जिसको डायल करने के बाद आप लोगों को हायाबूसा देखने को मिलने वाली है। सो गाइस, अगर आप लोग भी हायाबूसा चाहते हैं तो 7000 डायल करके आप लोग ले सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट चीट कोड है वो 9000 है, जिसे डायल करने के बाद आप लोगों को स्प्लेंडर देखने को मिल जाएगी जो कि ब्लैक कलर में और रेड कलर में दोनों अवेलेबल है। सो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट चीट कोड होने वाला है 9099। सो गाइस, इसे डायल करने के बाद आप लोगों को रॉयल इनफील्ड की बुलेट देखने को मिल जाएगी। 4x9 डायल करेंगे तो आप लोगों को ये बाइक देखने को मिल जाएगी। और 777 डायल करने के बाद आप लोगों को डुगाटी डाइवल बाइक देखने को मिल जाएगी। और जब आप लोग 666 3x डायल करेंगे तो उसको डायल करने के बाद आप लोगों को देखने को मिल जाएगी बेनाली TNT बाइक, जो कि देखने में बहुत ही औसम है। और 3x9 डायल करने के बाद आप लोगों को यमहा की VMAX बाइक देखने को मिल जाएगी जो कि लास्ट अपडेट में ऐड की गई है। सो गाइज, हमारा जो नेक्स्ट चीट कोड होने वाला है वो होने वाला है 3x8। 3x8 डायल करने के बाद आप लोगों को यमहा की FZ10 बाइक देखने को मिल जाएगी जो कि बहुत ही औसम कलर में अवेलेबल है। सो गाइज, हमारा जो नेक्स्ट चीट कोड होने वाला है वो है 4x2। 4x2 डाउल करने के बाद आप लोगों को ATV बाइक देखने को मिल जाएगी जो कि 4 टायर्स के साथ अवेलेबल होती है, आप लोगों ने देखी होगी। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चीट कोड है वो है 1190। 1190 डायल करने के बाद आप लोगों को KTM बाइक देखने को मिल जाएगी जो कि बहुत ही औसम बाइक है और आप लोग देख सकते हैं बहुत ही औसम कलर में भी अवेलेबल है। अब हमारी जो लास्ट बाइक होने वाली है वो बहुत ही डेंजर बाइक होने वाली है, इसलिए थोड़ा सा दूर चल करके उसे मंगाते हैं। उससे पहले एक और चीट कोड जान लेते हैं। हमारा जो डूब का एक चीट कोड हो गया 4215, इसको डायल करने के बाद आप लोगों को डूब बाइक देखने को मिल जाएगी। और एक आध दो बाइक्स और भी रह गई हैं जिनका एक कोड है मुझे याद आ रहा है 1210। 1210 डायल करने के बाद हम लोगों को KTM बाइक देखने को मिल जाएगी। सो गाइज, 1211 भी एक चीट कोड है, जिसे डायल करने के बाद पल्सर देखने को मिल जाएगी आप लोगों को। और इसके बाद 4x4 डायल करने के बाद आप लोगों को कोबरा बाइक देखने को मिल जाएगी जो कि लास्ट अपडेट में अभी रिसेंटली अपडेट की गई है। और हमारा लास्ट चीट कोड है 4x5। आप लोग जैसे ही 4x5 डायल करेंगे आप लोगों को इन सभी बाइक्स से हट करके एक बाइक घोस्ट बाइक देखने को मिलने वाली है जो कि इसमें हमेशा ही आग लगी हुई रहती है। गाइज, आप लोग इसलिए इस बाइक को थोड़ा सा दूर ही पार्क करिएगा ताकि अन्य बाइकों को ये हानि ना पहुंचा सके, क्योंकि गाइज इसमें आग लगी होती है और इसके पास में जो भी बाइक्स या फिर जो भी व्हीकल खड़े करेंगे हम लोग उस सभी व्हीकल्स में आग तुरंत लग जाएगी, इसलिए गाइज इसको बहुत ही दूर खड़ी करना चाहिए। और आप लोग देख सकते हैं हमारी जो सभी बाइक्स का कलेक्शन है वो कितना औसम लग रहा है। आप लोग भी एक साथ सभी बाइक्स को खड़ी कर लीजिए और उसके बाद देख लीजिए। आप लोगों को हम लोग बता देते हैं इसमें कैसे RGB लगा देते हैं। देखिए आप लोग, RGB में सभी बाइक्स में जल्दी जल्दी लगा देता हूँ, उसके बाद आप लोग देखिए जिन भी बाइकों में RGB लग रहा है उन्हीं बाइकों में आप लोग भी लगा पाएंगे, बाकी बाइक्स में अवेलेबल नहीं है RGB, इसलिए नहीं लग रहा है। सो गाइज, आप लोग देख लीजिए सभी बाइक्स में RGB लगा करके,
जिसमें लग जाता है अच्छी बात है, जिसमें नहीं लगता है उसमें फिर नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें रोहित गेमिंग स्टूडियो ने परमानेंटली ऐड ही नहीं किया है, इसलिए उसमें हम लोग नहीं कर पा रहे हैं RGB कोड को अप्लाई। सो गाइज आप लोग RGB लगा लेते हैं हम लोग जल्दी जल्दी, और फिर उसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को कैसा हमारा जो मतलब एक्सपीरियंस रहता है देखने में बाइक्स का। सो गाइज जल्दी से लगा लेते हैं, उससे पहले आप लोगों को बता दें कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब इसी प्रकार की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। गाइज देख लीजिए हमने सभी बाइकों में लगभग लगा दिया है RGB कोड को, और आप लोग देख सकते हैं जो कि देखने में औसम लग रहा है। अगर आप लोग भी लगा करके प्ले करेंगे गेम को तो आप लोगों को गेम को खेलने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। सो गाइज आप लोगों को इन बाइक्स में से कौन सी बाइक सबसे ज़्यादा पसंद आई है ये चीज़ कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा। अभी बारी है हमारी जो सभी कार्स को जान लेते हैं हमारे गेम में जो ऐड की गई हैं। तो स्कॉर्पियो S11 लेने के लिए 3x44 डायल कर लीजिएगा, आप लोगों को S11 देखने को मिल जाएगी, और जब 3x3 डायल कर लेंगे आप लोग तो स्कॉर्पियो क्लासिक देखने को आप लोगों को मिल जाएगी। सो गाइज इसके बाद हमारा नेक्स्ट चीट कोड है 1000, जिसे डाउन करने के बाद आप लोगों को फॉर्चुनर कार देखने को मिलने वाली है। जो हमारा नेक्स्ट चीट कोड है वो है 2000 डाउन करने के बाद आप लोगों को रोल्स रॉयल्स कार देखने को मिलने वाली है गाइज। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट चीट कोड 4x6, जिसे डायल करने के बाद आप लोगों को रेंज रोवर कार देखने को मिलने वाली है, जो कि बहुत ही ऑसम कलर में है और बहुत ही ऑसम कार है। और इसके बाद हमारी आ जाते हैं नेक्स्ट कार पे जो है बुगाटी V2, इसे डायल कर ले 3x8 डायल करने के बाद आप लोगों को ये देखने को मिल जाएगी, एंड 900 डायल करने के बाद आप लोगों को कोनिशेक कार देखने को मिल जाएगी जो कि रेड कलर में है और इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं आप। और हमारा नेक्स्ट चीट कोड होने वाला है ऑडी का, जिसका कोड है 500। आप 500 डायल करेंगे उसके बाद आप लोगों को देखने को मिल जाएगी ऑडी कार। जिसके बाद आप लोग का नेक्स्ट चीट कोड होने वाला है लैम्बोर्गिनी V2 का, जिसका चीट कोड है 7000। इसको डायल करने के बाद आप लोगों को लैम्बोर्गिनी देखने को मिल जाएगी। और थार का चीट कोड होने वाला है 9090, जिसे डायल करने के बाद आप लोगों को थार कार रेड कलर में देखने को मिल जाएगी। अब चलिए इन सभी कार्स में हम लोग जल्दी से RGB कोड लगा लेते हैं, और उसके बाद आप लोग कमेंट करके बताइए कि इन सभी कार्स में आपको किस कार्स पे सबसे ज़्यादा RGB कलर पसंद आ रहा है, और RGB किस कार पर आप लोग ड्राइव करते हैं ज़्यादातर लेकर, आप लोग कमेंट करके बताइएगा गाइस। और देखिए कि हमने जो सेट किया है वो कलेक्शन कितना ऑसम लग रहा है RGB लगा देने के बाद। सो गाइस इस वीडियो में आप लोग देख पा रहे हैं कि हमने RGB लगभग सभी कार्स में लगा दिया है। जिस भी कार में अगर नहीं लग रहा है RGB तो इसका मतलब ये है कि इस कार में RGB अवेलेबल नहीं है, इसलिए नहीं सेट हो पा रहा है। क्योंकि गाइज आप लोग ले करके देख सकते हैं, देखिए हम अभी क्लासिक के पास आ गए हैं, स्कॉर्पियो क्लासिक के पास। इसमें जैसे ही RGB लगाते हैं देख सकते हैं आप लोग केवल बोनट में RGB लगता है इसमें, और हम जो S11 है उसमें जाने के बाद आप लोग देख सकते हैं इस पर RGB लगता ही नहीं है। सो गाइज आप लोग देख सकते हैं हमारा कार का कलेक्शन जो भी है बहुत ही ऑसम लग रहा है। आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोगों को देखने में ये कार और बाइक का कलेक्शन कैसा लगा। और अगर आप गाइस अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।